नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मोर छत्तीसगढ़ की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही है, नक्सलियों का कारखाना करतूत आया सामने। जंगल में सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ। माओवादियों द्वारा लगाया गया था प्रेशर आईईडी। तो जंगल में सर्चिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ। आईईडी ब्लास्ट में एक जवान भी घायल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। माओवादियों द्वारा लगाया गया था ये प्रेशर आईईडी। जी हाँ, सर्चिंग की जा रही थी और इसी बीच में ये विस्फोट हुआ, ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ। सुकमा से बड़ी खबर है, नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है, जहां पर प्रेशर आईईडी बम लगाया गया था। और जब जंगल में जवान सर्चिंग कर रहे थे, यानी कि सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, उसी बीच में ये हादसा हुआ, ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान घायल हो गया। माओवादियों द्वारा ये प्रेशर आईईडी बम लगाया गया था, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक जवान घायल हुआ है, जख्मी जवान को एडमिट करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। नक्सलियों की ये कारण जो कारना करतूत है वो सामने आई है। आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसी कायराना करतूत सामने आ चुकी है। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि सर्चिंग के दौरान जो बॉम्ब लगाए जाते हैं उन्हें डिफ्यूज किया गया है, लेकिन आज जो है ये हादसा हुआ। इस हादसे में, इस ब्लास्ट में एक जवान घायल हो गया और जवान घायल को नजदीकी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकर जुड़े हुए हैं। शंकर, फिलहाल क्या अपडेट है, जवान जो घायल है उसके हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है? देखिए सचिन, बताना चाहूंगा यह पूरा मामला जो कि छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र से लगा हुआ तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले का है, जहां पर सुरक्षा बल जो कि 151 बटालियन का यह जवान है, जो कि कृष्णा नाम इसका बताया जा रहा है। यह जवान सर्चिंग ऑपरेशन पर निकला हुआ था, आईडी का शिकार हुआ। बताया जाता है कि इस इलाके में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा जो प्लांट किया गया है, आईडी का यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। आईडी के ब्लास्ट हो जाने से कृष्ण कुमार जो कि 151 बटालियन के जवान थे, ये इसके जद में आ जाते हैं और गंभीर रूप से हो जाते हैं। ऐसे में नक्सलियों की एक तरीके से कायराना करतूत यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरीके से हमेशा से सुरक्षा बलों को जो निशाना पहुंचाने की जिस तरीके से बात की जाए, तो लगातार नुकसान पहुंचाने की मंशा से जो आईडी प्लांट किया जाता है, इसी वजह से जिस बार भी आईडी ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर जवान एक घायल हुआ है। और घायल जवान की स्थिति की बात की जाए तो प्राथमिक उपचार के दौरान जो की बीजापुर जिले के टिप्पापुरम इलाके में जो सीआरपीएफ जवानों का एक कैंप है, इस कैंप में जो कि जवान की प्राथमिक उपचार चल रही है। ऐसे में जवान अभी, उसकी जो स्थिति बताई जा रही है कि जवान अभी खतरे से बाहर है। ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो लगातार जवान जो कि सर्च ऑपरेशन पे होते हैं, और नक्सली हमेशा से आईडी जैसे चीजों का इस्तेमाल करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो जब वहां पर सर्चिंग चल रही थी, क्या वहां पर कोई भी ऐसा नक्सली बरामद हुआ या उसके बारे में कुछ जानकारी मिली हो? देखिए, अगर बात की जाए तो हमेशा से अमूमन जब भी जवान इस इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं, यहाँ बस्तर की बात की जाए या लगातार जो कि बस्तर से लगे हुए सीमा क्षेत्र की बात की जाए, तो हमेशा से जो कि सर्च ऑपरेशन पे वे निकले हुए रहते हैं और उनकी रेकी हो जाती है या उन पर मूवमेंट, उनके मूवमेंट पर नजर बनाया जाता है। ऐसे में इस बार भी यही हुआ कि जिस इलाके में लगातार जो जवान ऑपरेशन पे हमेशा से निकलते हैं, उसी इलाके में प्रेशर आईडी प्लांट करना या उसी इलाके में आईडी जैसी चीजों का इस्तेमाल करना, तो ऐसे में जो नक्सली हमेशा से इस तरीके की कोशिश करते हैं, क्योंकि आईडी जैसे चीजों का हमेशा से इस्तेमाल करके अब तक के बस्तर में खास करके बात की जाए तो आईडी से सबसे ज्यादा जवानों को नुकसान पहुंचाया गया है, और इसी से आईडी से ही सबसे ज्यादा जवान इस इलाके में घायल हो या शहीद हुए हो। हमेशा से घातक जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आईडी सबसे ज्यादा घातक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नक्सलियों द्वारा। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर। तो सुना आपने, हमारे सहयोगी शंकर बता रहे थे कि नक्सली द्वारा इस्तेमाल किया गया कोई भी जो गन हो या फिर कोई बम हो, जो भी उपकरण हो, बरामद नहीं किए गए हैं, लेकिन फिलहाल सर्चिंग लगातार जारी है।